Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. I'm Malika और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल. So keep watching. फेस्टिव सीजन इज अराउंड द कॉर्नर एंड वी ऑल लव दोस एथनिक वाइब्स. और एथनिक वियर की बात करें तो सबसे पहले आता है लहंगा. नाउ गाइज, वी ऑल हैव दैट वन लहंगा जिसको पहन के लिटरली हम इतना बोर हो चुके हैं दैट वी हैव जस्ट लॉक्ड इट इन अवर वार्डरोब. बट नाउ इट्स द टाइम टू टेक आउट योर ओल्ड लहंगा व्हेन यू कैन एक्चुअली स्टाइल इट इन डिफरेंट वेज. और वैसे भी आजकल लहंगाज इतने एक्सपेंसिव होते हैं और हार्डली हमें एक या दो बार पहनने होते हैं. सो वाई टू वेस्ट सो मच मनी व्हेन यू कैन एक्चुअली रीवियर योर लहंगा इन डिफरेंट वेज एंड यू कैन रियली मेसमराइज एवरीवन. तो आज की इस वीडियो में मैंने अपने लहंगा को 9 डिफरेंट वेज में स्टाइल किया है. तो अभी बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो आप इस वीडियो से डेफिनेटली कुछ आइडियाज ले सकते हैं और आप अपने लहंगा को रीवियर कर सकते हैं डिफरेंट वेज में. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो. फॉर द फर्स्ट लुक मैंने अपने इस लहंगा स्कर्ट को पेयर किया है इस क्रॉप टॉप के साथ. ये जो मेरा ब्लाउज पीस है ये मुझे लहंगे के साथ ही मिला था और मैंने इसे एक्सेसराइज किया है इन कुंदन ईयर रिंग्स के साथ और इस मांग टीका के साथ जो कि बहुत ग्रेसफुली मेरे इस लुक को कंप्लीट कर रहा है. तो गाइस, इफ यू वॉन्ट आप इस लुक के साथ दुपट्टा ले भी सकते हैं और नहीं भी, इट्स टोटली अप टू यू. लहंगा साड़ी स्टाइल. इस लुक में मैंने अपने दुपट्टा को साउथ इंडियन स्टाइल में लिया है. सो इफ यू आर अ टमी कॉन्शियस आप अपने दुपट्टा को इस तरीके से ले सकते हैं. इससे आपका स्टमक फैट हाइड होता है और साथ ही ये आपको बहुत ही फ्लॉलेस दिखाता है. यहाँ पर मैंने इसे सेम कुंदन इयररिंग्स के साथ एक्सेसराइज किया है. साउथ इंडियन स्टाइल में दुपट्टा लेने से आपकी वेस्ट लाइन डिफाइन होती है और ये आपको काफ़ी स्लिम लुक देता है. नेक्स्ट मैंने अपनी लहंगा स्कर्ट को पेयर किया है इस शर्ट के साथ और साथ ही मैंने इसे कंप्लीट किया है इस लेयर्ड नेकलेस के साथ. शर्ट पर ऐसे लेयर्ड नेकलेस काफी ज्यादा सुंदर दिखते हैं. सो दिस आउटफिट इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग एंड मैचिंग. दो इट इज अ बिट डेंजरस बट इफ डन राइट योर आउटफिट कैन रियली स्टैंड आउट इन अ क्राउड. एंड लास्टली यू कैन कंप्लीट योर लुक विद अ कंफर्टेबल फुटवेयर. I think lehenga dupatta is the most versatile accessory you can use. So to create this look, मैंने अपने dupatta को as a shrug लिया है और इसे adjust किया है मैंने इस shimri belt के साथ. मेरा dupatta और lehenga skirt दोनों same हैं इसलिए मैंने यहाँ पर ये bright contrast color का blouse पहना है to avoid overdo. Using a belt along with lehenga is a perfect fusion style and makes you look taller and slimmer. नेक्स्ट लुक इज अगेन वेरी सिंपल. मैंने यहाँ पर अपने लहंगा स्कर्ट की जगह इस प्लाजो को पहना है और मैंने प्लाजो के कलर को और ब्लाउज के कलर को दोनों को मैच किया है और मैंने इसे स्टाइल किया है इस दुपट्टा के साथ. दुपट्टा को मैंने बैक साइड पर पिन किया है और मैंने इस दुपट्टा को एडजस्ट किया है इस शिमरी बेल्ट के साथ. तो आप लोग भी शिमरी बेल्ट चूज कर सकते हैं एज दे रियली कॉम्प्लीमेंट द गॉर्जियस अटायर. नेक्स्ट लुक इज फॉर ऑल दोस टमी कॉन्शियस. मैंने अपने लहंगा स्कर्ट को पेयर किया है इस शॉर्ट कुर्ती के साथ और साथ ही मैंने ये दुपट्टा साइड में लिया है. साइड में दुपट्टा लेने से काफ़ी ग्रेसफुल लुक आता है. एक्सेसराइज किया है मैंने इस लुक को इस ब्यूटीफुल कुंदन चौकर के साथ और इन बिग स्टड्स के साथ. आप चाहें तो इस दुपट्टा को पिनअप कर सकते हैं टू बी मोर कम्फर्टेबल. नेक्स्ट लुक मैंने अपनी इस लहंगा स्कर्ट को पेयर किया है इस टॉप के साथ और मैंने इसकी स्लिप्स को फोल्ड किया है थोड़ा सा कैजुअल लुक देने के लिए. सो गाइस, इफ यू आर गोइंग फॉर अ डे फंक्शन देन आई थिंक दिस लुक इज परफेक्ट फॉर यू. और कंप्लीट किया है मैंने इस लुक को इन ब्यूटीफुल बिग स्टड्स के साथ. आई रियली लव दीज स्टड्स बिकॉज आई थिंक जब हम ऐसे बिग स्टड्स पहनते हैं या इयर रिंग्स पहनते हैं तो हमें और किसी एक्सेसरी की जरूरत नहीं पड़ती है. So I think nothing can be more comfortable than wearing a skirt with a top. इस लुक में मैंने अपनी लहंगा स्कर्ट को पेयर किया है इस ब्यूटीफुल लॉन्ग कुर्ती के साथ
दिस कुर्ती इज बाय द ब्रांड लिबास और मैंने जो साइज पहना है वो एस है. इसका डेफिनेटली आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो आई थिंक दिस लुक इज परफेक्ट व्हेन यू आर गोइंग फॉर कल्चरल इवेंट और फॉर पूजा एज इट रियली गिव्स वेरी संस्कारी वाइब्स. तो आप डेफिनेटली अपने लहंगा स्कर्ट को लॉन्ग कुर्ती के साथ पेयर कर सकते हैं एंड लेट द स्टनिंग कॉम्बिनेशन डू ऑल द टॉकिंग. फॉर द नेक्स्ट लुक मैंने अगेन अपने इस लहंगा स्कर्ट को पेयर किया है इस शर्ट के साथ, बट दिस टाइम मैंने इसे थोड़ा सा फंकी लुक दिया है. मैंने इसमें नॉट टाई किया है जो कि काफ़ी फंकी लुक दे रहा है. एसेसराइज किया है मैंने इस लुक को इस ब्यूटीफुल नेकलेस और स्टड्स के साथ जो कि मैंने आजियो से लिया है. सो दिस द फाइनल लुक. सी हाउ ब्यूटीफुली इट टर्नड आउट. So guys, make sure the blouse color that you choose should stay in contrast to the color of your skirt. So yeah guys, that was all about the video. अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो please like कीजिएगा, subscribe कीजिएगा और share जरूर कीजिएगा. एंड ऑफकोर्स मुझे आप लोग के कॉमेंट्स पढ़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है. सो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में मैंशन करके बताइएगा इनमें से कौन सा लुक आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया. एंड या ऑफकोर्स आई वुड लव टू सी योर रिक्रिएशन. सो प्लीज़ डू रिक्रिएट दीज लुक्स एंड लेट मी सी हाउ इट टर्न आउट. सो विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.